चंदौली से है। यहाँ जीआरपी मुगल सराय को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब 13 किलो सोने के बिस्किट के साथ उसने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि बरामद सोने की एक खेप बंगाल के हावड़ा से लाई जा रही थी, जिसे कानपुर तक ले जाया जाना था। पकड़ा गया तस्कर भी कानपुर का ही बताया जा रहा है। बरामद सोने की कीमत कुल 4 करोड़ बताई जा रही है। जीआरपी पुलिस मुगलसराय के हाथे चढ़े इस शख्स का नाम महेंद्र वाजपेयी है। चेहरे से मासूम नजर आने वाला यह शख्स सोने की तस्करी के मामले में पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को इसके पास 4 करोड़ रुपए की कीमत का 13 किलो सोने की बिस्किट बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान महेंद्र वाजपेयी ने बताया कि सोने की ये खेप हावड़ा से लेकर आ रहा है था और इसे कानपुर तक ले जाना था। ट्रेनों से सोने की तस्करी का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने भारी मात्रा में सोने की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। दरअसल रोड की तुलना में ट्रेनों से तस्करों की नज़र में काफ़ी सुरक्षित नजर आती है, जिसे वो ट्रेनों के जरिए कई बार अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन बदलते परिवेश में पुलिस की चौकसी उनके लिए काफ़ी घाटे का सौदा भी साबित होती है। पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना देने के साथ ही इस मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है, ताकि इसकी निशानदेही पर इस धंधे से जुड़े और इनके आकाओं तक पहुंचा जा सके। AEZ न्यूज के लिए चंदौली से अशोक जायसवाल की रिपोर्ट। 20 जनवरी को हमारे जीआरपी मुगलसराय की टीम जिसकी का नेतृत्व हमारे निरीक्षक श्री आरके सिंह कर रहे थे, भ्रमण पर थे और चेकिंग कर रहे थे। हमारे पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक चेकिंग कर रहे थे, एक संदिग्ध व्यक्ति झोला लेकर जाते हुए दिखा, तो संदिग्धता के आधार पर उन्होंने इसको चेक किया तो उसके झोले में रखा हुआ करीब 13 किलो शुद्ध सोना बिस्किट के रूप में रिकवर किया गया। उस संबंध में, सोने के संबंध में उसने कोई कागजात नहीं दिखाए, न ही उस संबंध में पूछताछ के मध्य किसी प्रकार का स्पष्टीकरण दे सका, जिसे पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया और आयकर और DRI की टीम को भी सूचना दी गई है। वो लोग भी आकर के अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया ये शुद्ध रूप से स्मगल किया हुआ सोना प्रतीत हो रहा है, जिसकी घरेलू मार्केट में कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। वजन इसका 13 किलोग्राम है और ये स्विस और MNTC का भी है। इसमें गोल्ड की सिल्लियां हैं, जो 1-1 किलो की 1-1 सिल्ली है। कुल 13 सिल्लियां बरामद हुई है। MMTC भारत में MMTC वो सबसे बड़ी कंपनी है जो सोना सप्लाई करती है, और वो पूरी तरीके से सिग्निफिकेंटली पूरी तरीके से उनका रिकॉर्ड मेंटेन है। ऐसे में इनका सोना निकल जा रहा है तो कहीं ना कहीं विभागीय मिलीभगत भी है जो भारत में सोना खरीद के सप्लाई कर रहे हैं MMTC और जो जैसे स्विस का जो है, तो वो नहीं। इस संबंध में, इस रिकवरी के संबंध में सोना कहाँ से आया है या हमारी वैध कंपनी है उसे कैसे निकल के आया है, इस संबंध में हम अपने सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से ये सहयोग से जांच कर रहे हैं और विधिवत इसकी जांच करेंगे कि कहाँ से ये प्राप्त हुआ, कैसे डिलीवरी बिना किसी उचित कारण के किया जा रहा है। इसमें जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी सिर्फ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम महेंद्र वाजपेयी है, जो कि अपने को कानपुर का निवासी बता रहा है। पूर्व में भी इस तरीके के रिकवरी हुई है सर, सोना वो भी MMTC का था, अब ये भी इस तरीके से पहले भी और अभी भी 13 किलो है, तो उस जांच को इससे जोड़ रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, अब अगर जांच के मध्य कोई तथ्य आएगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें करेंगे।